अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाज़िया फूडीज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंस्टेंट ढोकला। ढोकला आप सूजी से भी बना सकती हैं, ढोकले को आप चने की दाल से बना सकती हैं। हम जो आपके साथ आज ढोकला शेयर करने जा रहे हैं वो ढोकला हमने बनाया है बेसन से। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आप इस ढोकले को सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक में खा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट ढोकला बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन। बेसन आप मोटा या महीन कोई सा भी ले सकती हैं। तो एक बाउल में हमें 1.5 कप पहले बेसन ले लेना है। इसके बाद में हमने अगर 1.5 कप बेसन लिया है तो इसमें हम इसका आधा दही लेंगे। तो 1/3 कप हम ले लेते हैं दही और इसे हम डाल देते हैं एक अलग बाउल में। और 1 कप के जितना इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे और एक विस्क की हेल्प से इसे हमें फेंटना है। जैसा हमारा छाछ होता है उसी तरीके से इसे हमें बनाना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पर छाछ ले सकती हैं 1 कप। तो ये देखिए, आप देख सकती हैं बिल्कुल छाछ की तरीके हमारा दही हो गया है। और अब हम बेसन में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। 2 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसी जगह पर थोड़ी सी हल्दी डाल सकती हैं। अब हम जो छाछ बनाकर हमने तैयार करके रखा है उसको इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन में हमारे लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। अभी हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिक है, बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है हमने इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से फिट नहीं जाता। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। और इसे हमें एक ही रो में चलाना है, ये देखिए। और तकरीबन इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और इसमें अब हम ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हम हल्दी थोड़ी सी ही डालेंगे इसमें। अगर आप ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो इसमें आप बाद में ये जब पकेगा तो ये लाल लाल सा हो जाएगा, इसलिए आप हल्दी बहुत थोड़ी सी ऐड करें। और हल्दी डालकर इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। आप हमारे चलाने का तरीका देख रही होंगी कि इसे हम बिल्कुल एक ही रो में चला रहे हैं, इसी तरीके से आपको चलाना है। तो हल्दी डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकती हैं। और अब हम इसे ढककर रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे ताकि हमारे बेसन में हल्का सा खमीर आ जाए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई पे हम रख देते हैं एक स्टैंड और इसमें हम डालेंगे 2 कप के जितना पानी। और इस पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं इस तरीके से ढककर। और जिसमें हमें ढोकला बनाना है उस टिन को आप इस तरीके से ये देखिए ऑयल डालकर ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर शेप की केक टिन ले रहे हैं। आप कोई सी भी केक टिन ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं या आप गहरी थाली भी ले सकते हैं या आपके पास जो भी बर्तन हो आप ले सकते हैं। और इसे हमने ऑयल से अच्छे ग्रीस कर लेना होता है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। और आधा घंटा हो चुका है, अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें खमीर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 सैशे हम ले लेते हैं इनो का। अगर आप इनो इसमें नहीं डाल रही हैं तो आप इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इनो को भी इसमें डाल दिया है और इनो डालकर इसे हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है। इनो डालते ही इसमें बहुत सारे झाग आने लगेंगे और बैटर हमारा एकदम कलर चेंज हो जाएगा बैटर का हमारा, आप देख सकती हैं। इसे हमें फटाफट से मिक्स करना होगा। इनो डालने के बाद में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए बैटर में कितना सारा झाग आ चुका है। तो हमने इनो को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इस बैटर को फटाफट से पलट देते हैं अपनी टिन में इस तरीके से। ये देखिए,
यहाँ पर हमने पूरा बैटर डाल दिया है इस तरीके से, ये देखिए। और इसे अब हम हल्का सा टैप कर लेते हैं। और ये देखिए पानी भी बहुत अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है। और अब हम अपने ढोकले को रख देते हैं इसमें तकरीबन 20 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं। और आप बीच में इसके पानी को चेक कर लें तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी को भी चेक कर लेते हैं और ढोकले को भी आपको दिखाते हैं कि ये अभी कितना पका है। और इसे आप बार बार नहीं खोलें, नहीं तो आपका ढोकला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप पहली बार ढोकला बना रहे हैं तो हम आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं। तो ये देखिए ढोकला अभी नीचे से कितना कच्चा है। इसे अब कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। और तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। हम आपको एक स्क्वैश डालकर फिर से दिखाते हैं। अगर हमारा स्क्वैश एकदम क्लीन है तो ढोकला हमारा पक चुका है। ये देखिए स्क्वैश हमारा एकदम क्लीन है तो इसका मतलब ढोकला हमारा पक चुका है। और इसको हमने ये देखिए कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। और इसे अब हम इस तरीके से एक नाइफ की हेल्प से इसके किनारे हम छुड़ा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसे अब हम पलट लेते हैं, देख सकते हैं आप कितना जालदार ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो एक पैन ले लेते हैं, पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे राई, आप इसकी जगह पर सरसों भी ले सकती हैं, 10 से 12 पत्ते हम करी पत्ते ले लेंगे, 4 हमने ग्रीन चिली ली है जिनको हमने बीच से कट कर लिया है। और इसमें अब हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के जितना इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और 3 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं, 1/2 हम नींबू का रस इसमें डालेंगे, 1/3 तड़का हमारा पक रहा है तब तक हम अपने ढोकले के पीस बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से तड़के को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस हमारी शुगर अच्छे से घुल जाए इतनी देर ही पकाना है। और इसे अब हम कट कर लेते हैं। ढोकला हमारा ये देखिए हल्का सा भी गर्म है, आप देख सकते हैं ढोकले में कितना अच्छा जाल आया है। और इसके अब हम पीस बना लेंगे, पीस आप छोटे बड़े कैसे भी बनाएं। और इस तरीके से ये देखिए इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए ढोकले को आप देख सकती हैं और तड़का भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब इस तड़के को हम डाल देते हैं ढोकले के ऊपर। आप एक स्पून की हेल्प से डालें ताकि हमारे पूरे ढोकले में तड़का अच्छे से डल जाए। आप इसे 2 पार्ट में करके डाल सकती हैं, पहले 1/2 डालें फिर बाद में डालें। हम यहाँ पर पूरा एक साथ डाल देंगे क्योंकि बेसन हमारा अच्छे से तड़के को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए देखिए कितना जालदार ढोकला बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था, आप घर पर ही अब बिल्कुल मार्केट के जैसा ढोकला बनाकर तैयार कर सकती हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक खा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इस दिवाली इस ढोकले को ज़रूर बनाएं, आपके मेहमानों को ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और वो ये इस ढोकले को पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ढोकला आपने घर पर बनाया है। उन्हें ये बिल्कुल मार्केट के जैसा ढोकला लगेगा क्योंकि ये ढोकला बिल्कुल मार्केट के जैसा बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी है। अब ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर बना सकती हैं। अगर आपको हमारी ढोकले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बनाएं कि आपका ढोकला कैसा बना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। इसी तरीके से आपसे हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।